व्यू एंजॉय करते हैं। चलो आ जाओ, देखो मॉर्निंग कितनी ब्यूटीफुल है। तो अभी मैंने नोट्स में लिखा है हम कहाँ पे जाने वाले हैं। तो हमारा डे वन कंप्लीट हो चुका है, डे टू भी कंप्लीट हो चुका है। तो डे थ्री में हम शिमला में, शिमला से जिस्पा जाने वाले थे, 329 किलोमीटर थे। अभी हम मनाली में स्टॉप किया है, तो आज हम जिस्पा में स्टॉप करेंगे। तो यहाँ से अभी जिस्पा करीबन 100 किलोमीटर है, देखते हैं अभी 100 किलोमीटर ही कट करने। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए यहाँ पे माउंटेन कितने मस्त दिख रहे हैं सामने। तो मैं कॉफ़ी लेके आ चुका हूँ, तो यहाँ पे देखे सामने माउंटेन कितना अच्छे, और ग्रीन वैली देखो सामने, वो माउंटेन कितना मस्त दिख रहा है ना मेगा। सही है ना, आज आई थिंक स्नो देखने को मिलेगी हमको, पता नहीं अभी उधर होगी या नहीं। फिंगर क्रॉस, अभी देखने को मिलेगी तो मजा आ जाएगा। मैं तो मेगा और कॉम्प्लेक्स पे बहुत स्नो डालने वाला हूँ, मजा आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स तो बोल रहा था कि यहाँ पे स्नो देखने को नहीं मिलेगी, देखते हैं। ये ले पकड़ दे, कॉम्प्लेक्स कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। मिस्टर निक गुड मॉर्निंग, मिस्टर निक गुड मॉर्निंग। रेडी हो रहे हैं अभी, मिस्टर निक रेडी हो रहा है गाइस। चलो अभी कॉफी पीते हैं, और देखो मेगा यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। आज हमने मैचिंग पहना है। ओ येलो, तू मेरे सेम टू सेम क्यों पहन के आ गई? मैंने पहले पहना है, तू बाद में रेडी हुआ है। तेरे से पहले तो मैं रेडी हुआ हूँ, तू बाद में हो। चलो अभी कॉफी एंजॉय करते हैं। चलो अभी नीचे चलते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं सोलंग वैली में, तो यहाँ का रास्ता देखिए, और ये है सोलंग वैली, और सामने देखिए रोपवे, और वहाँ पे देखिए माउंटेन। इस साइड पे तो काफ़ी कम स्नो है, इस साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा स्नो है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। और जब विंटर की सीज़न होती है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो देखने को मिलती है, यहाँ पर पूरा स्नो, और यहाँ से रोपवे जाते हैं ऊपर तक, बहुत हाइट पर है देखो, और यहाँ से होता है पैराग्लाइडिंग, ऊपर से जाना है और नीचे आ जाएंगे आप। और ये देखिए सोलंग वैली, और यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए, और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, ये काफ़ी हाइट पे जाता है, और यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से जाना है, और यहाँ पे रैबिट भी काफ़ी ज़्यादा है। 10 या 12 बजे यहाँ पे ओपन होता है, तब सारे पब्लिक यहाँ पे आते हैं। और देखिए रोपवे तो काफ़ी हाइट पे है, ऊपर तक जाती है, यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर तक। यहाँ पे स्नो काफ़ी कम है, इस साइड पे देखिए काफ़ी ज़्यादा स्नो है। तो वैसे तो मनाली में काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं लेह लद्दाख। अभी 2 दिन लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए, उसके बाद हम वहाँ पे 10 दिन या 8-9 दिन अभी स्टे करने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ पे मनाली घूमने वाले हैं 2 दिन के लिए। बहुत मज़ा आ जाएगा, और ये ट्रिप काफ़ी मेमोरेबल होने वाली है। और व्यू देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल है खाने के लिए, यहाँ पे काफ़ी बड़ा डॉग है देखो, इतना मस्त है। देखा तुझे पसंद आया? बहुत बहुत बड़ा है ना, इतना क्यूट है। तो अभी हम अटल टनल में से जाने वाले हैं, काफ़ी हाइट पे है और काफ़ी लॉन्ग टनल है ये, और यहाँ का व्यू देखिए गाइस। चलो अभी अंदर, यहाँ पे दो देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 और आगे 4। यहाँ से हम आए हैं, तो यहाँ का रोड काफी मस्त है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। क्लाउड इतने ज्यादा आ गए हैं, कैसा लगा ये व्यू? हम आपको कैसा लगा? और कमलेश तुझे मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। रोड काफी नैरो है यहाँ के, तो संभाल के चलाना होगा। तो अभी हम आए हैं टंडी में, तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे देखिए साइन बोर्ड कितनी मस्त है, उसके आगे आएगा 365 किलोमीटर आगे आएगा नेक्स्ट पेट्रोल पंप, और क्लाउड्स देखिए कितने मस्त है, पूरा आसमान क्लाउड्स क्लाउड्स।
तो यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। और सामने का नजारा देखिए आप, और यहाँ से पानी जा रहा है। वाओ, लुक एट दिस। बहुत खराब रास्ता है यहाँ का, काफी टर्न आएगा यहाँ पे। कमलेश कैसा लग रहा है तुझे? बढ़िया। मुझे ओरियो की याद आ गई। पहुंच चुके हैं जिस्पा में। एक ये होटल है और एक पीछे वाली होटल है। तो यहाँ का व्यू काफ़ी मस्त है। और अगर आपको कैंप में रहना हो तो यहाँ पे कैंप बहुत सारे हैं रिवर की साइड पे। चलो आ जाओ ओरियो के साथ खेलते हैं। ओरियो हाय। हाय ओरियो। हाय। देखो कितना मस्त है ना। वाइट। और वहाँ पे रिवर काफ़ी मस्त जा रही है। तो चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। ओरियो, ओरियो भी मेरे साथ आ रहा है। ओरियो यहाँ पे रख दिया है। ये है बेड और यहाँ से है नाइस व्यू। देखो गाइस माउंटेन कितने मस्त दिखाई दे रहे, स्नो माउंटेन। तो अभी मैं बाहर आया हूँ तो बहुत ज्यादा ठंड है अभी तो, पर देखिए व्यू कितना मस्त है। और ये आ रहा है देखो, ये डार्क फैंटेसी। ओरियो को बुलाता हूँ अभी। ओरियो घूमता ही रहता है। और ये देखो यहाँ के डॉग देखो कितने मोटे हैं। डार्क फैंटेसी। तो फाइनली ओरियो आ गया। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं आएगा, इसलिए मैं फटाफट से अभी ब्लॉग अपलोड करने वाला हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यार। देखो ओरियो पानी में चला गया। ओरियो ओरियो ओरियो, ओरियो!